नमस्कार, जय श्री राम, जय माता के मित्रों। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरा आज का ये वीडियो नए पुराने सभी साधकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारे जितने भी तंत्र मंत्र के साधक हैं, जो शक्तियों का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए मैं आज के इस वीडियो में एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूं जिस विधि से हर साधक को शक्तियों का क्षण मात्र में अनुभव होगा। और जिन साधकों के मन में यह शंका रहती है कि हमें तो आज तक किसी भी शक्ति का अनुभव नहीं हुआ, ये शक्तियां हैं या नहीं है, या सभी तांत्रिक हमें मूर्ख बनाते हैं, तो मित्रों, ऐसी सभी शंकाओं को दूर करने के लिए दम है तो मेरे द्वारा बताई गई इस विधि को करके देख लो। आपको क्षण मात्र में शक्तियों का अनुभव न हो जाए तो मेरी गारंटी है, आज के बाद मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। आप इस विधि को एक बार तन मन धन से करके देख लो। शक्ति सामने खड़ी होकर के आपको आवाज न दे तो आप मेरे नाम को बदल के रख देना। आप मेरे वीडियो देखना पसंद मत करना। मित्रों, यह इतनी चमत्कारी विधि है और यह विधि शमशान की विधि है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अन्य सभी साधकों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ वो भी प्राप्त कर सकें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, अगर आपको अभी तक किसी भी शक्ति का अनुभव नहीं हुआ है, आज तक आपके पास में कोई भी शक्ति नहीं गुजरी है और आप तमाम पूजा पाठ करके थक चुके हैं, आपका कोई कार्य भी नहीं बनता है, साधना करते हैं तो आपको कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इसका कारण क्या है? मित्रों, पहले इसका कारण जानिए कि आखिरकार हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमको शक्ति प्राप्त क्यों नहीं हो रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपकी दिव्य दृष्टि का न खुलना, या घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी का पहले से रहना, या आपके शरीर में कोई नेगेटिव एनर्जी का रहना, या फिर किसी अच्छे गुरु को प्राप्त न करना। मित्रों, ये सभी कारण इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। जब तक आपको एक अच्छा गुरु नहीं मिलेगा, तब तक आपको किसी भी शक्ति का अनुभव नहीं करा पाएगा। आपके शरीर में और आपके घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी रहेगी, तब तक भी आपको कोई शक्ति नहीं मिलेगी। अगर अभी तक आपको किसी भी शक्ति से भेंटा नहीं हुआ है, आप किसी भी शक्ति के टच में नहीं गए हैं, किसी भी शक्ति का आशीर्वाद आपको नहीं मिला है, तो मित्रों, आज मैं आपको जो विधि बताने जा रहा हूं, इस विधि को एक बार तन मन धन से करके देख लो। आपको शक्ति का 100% अनुभव होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। यह जो विधि है वो अमावस्या की रात्रि की है। जिस अमावस्या की रात्रि को काल रात्रि होती है, अंधेरी रात्रि होती है, उसी रात्रि को आपको यह विधि करनी है। उसके लिए आप संध्या काल में ही नहा धोकर के आप फ्रेश हो जाइए और काले या सफेद वस्त्र धारण कर लीजिए। अपने वस्त्रों पर थोड़ा सा इत्र छिड़क दीजिए। अब आपको कुछ सामग्री एकत्रित करनी है, उसे आप ध्यान से समझ लें। आपको एक पत्तल लेनी है, पत्तल जो पत्तों वाली पत्तल होती है, आप उसे भी ले सकते हैं, या आज के समय में जो फाइबर की चल रही है आप उसे भी ले सकते हैं। और उस पत्तल में आपको कुछ सामान इकट्ठा करना है, वो आप थोड़ा ध्यान से समझ लें। मित्रों, उसमें आपको एक देसी अंडा और थोड़ी सी मुर्गा या बकरा की कलेजी और एक इत्र की शीशी और एक दारू का क्वार्टर और उसमें आपको बेसन के 5 पकौड़े बनाने हैं। बेसन के 5 पकौड़े बना करके और उसी पत्तल में रखने हैं और उसमें 5 पूड़ी सरसों के तेल की ये बना करके रखनी है।
मित्रों, और 11 अगरबत्ती आपको साथ लेकर के जानी है और एक सरसों के तेल का दीपक मिट्टी का साथ में लेकर के वहां जाना है। ये सभी सामान आप लेकर के अर्ध रात्रि के समय, इसका समय जो रहेगा वो 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक का रहेगा। इसी बीच आप शमशान में, आपके नियर बाई में जो शमशान हो वहां पर पहुंच जाइएगा और पहुंच करके पहले शराब का क्वार्टर खोल करके थोड़ी सी शमशान भूमि पर छिड़क दें और छिड़कने के बाद में आप वही उस पत्तल को रख दीजिएगा जो आप 5 पूड़ी लेकर के गए हैं। 5 पूड़ियों पर जो 5 पकौड़े बेसन के ले गए हैं उनको तोड़ करके रखिएगा 5 पूड़ियों के ऊपर, और वहाँ जो सेंट आप ले गए हैं इत्र की शीशी उसको चारों दिशाओं में छिड़क दें, थोड़े से अपने कपड़ों पर लगा लें और अंडे को फोड़ करके ये 5 पूड़ियों पर थोड़ा थोड़ा उसका मलबा डाल दें और 11 अगरबत्ती जला करके शमशान में लगा दें। मित्रों, इतना करने के बाद में हाथ जोड़ करके आप शमशान में बैठ करके और रिक्वेस्ट करें कि हे माँ शमशान काली, हे काल भैरव बाबा, ये आपका भोग तैयार है, आप आइए और मुझे सिर्फ आपका आभास करना है, आपकी शक्तियों का अनुभव करना है और मेरा कोई कार्य है जिसे आपको संपन्न करना है। मित्रों, इतना कह करके और आप 2 कदम वहां से पीछे हट जाइएगा। हटने के बाद आप देखेंगे कि रात्रि के समय और उस भोग पर अनेक शक्तियां विचरण करने आ जाएगी और वो सब खाना स्टार्ट कर देगी। मित्रों, आपको सिर्फ यही बोल करके कि मुझे सिर्फ आपकी शक्तियों का अनुभव ही करना है और मेरा कोई कार्य अटका हुआ है उसे संपन्न करना है, तो शक्तियों का अनुभव तो आपको वो भोग करते समय ही हो जाएगा और कार्य का आप वहां दोबारा से बोल करके, हे माँ शमशान काली और काल भैरव बाबा, मैंने आपकी शक्तियों का अनुभव किया, मैं धन्य हो गया, अब मेरा जो कार्य है वो कार्य संपन्न हो जाना चाहिए। मित्रों, वहां से फिर 5 कदम पीछे हट करके और अपने साइड में मुंह करके चले आइए। आपके पीछे पीछे कई शक्तियां दौड़ी चली जाएंगी, वो समझेगी कि आपके पास में और भी भोजन है, ये हमें दूसरी जगह कराएगा। लेकिन मित्रों, आपको ये लगे कि मेरे पीछे कोई ना कोई आ रहा है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है और निडर होकर के आपको अपने घर की तरफ ही चले आना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। मित्रों, इस विधि से आपको सिर्फ एक ही रात्रि में शक्तियों का अनुभव तो हो ही गया और आप देखेंगे जो आपने इतना भोजन जो शमशान की शक्तियों को दिया है उस भोजन के एवज में आपका जो कार्य है, जिस कार्य के बारे में आपने वहां बोला है, और वो 24 घंटे के अंदर आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। मित्रों, शमशान की शक्तियों के अंदर इतनी बड़ी ताकत है कि वो आपके कार्य को 24 घंटे के अंदर संपन्न करके देगी। घर आकर के पहले हाथ मुंह धो करके फ्रेश होकर के तब अंदर घुसिएगा, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आप शमशान में सरसों के तेल का दीपक ले गए हैं उस सरसों के तेल के दीपक को जहां आपने भोजन दिया है, उनको भोग दिया है, वहां से 5 कदम हट करके दूर जा करके रखें, तब वहां से लौट करके वापस आए। तो मित्रों, इस तरह से आप शक्तियों का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और आप किसी भी कार्य के लिए वहां बोल करके अपने कार्य को संपन्न कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।